हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। इस दौरान आपको जो है बेस्ट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, और ख़ास करके प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी ने सिलेबस तो कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। तो आज के इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, और इसमें मैं आपको बताऊँगा आज जो SSR पब्लिकेशन है आपके पास में उसके बारे में, और इसकी बुक्स हैं जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए हैं, इनका रिव्यू हम करेंगे कि कैसी ये बुक्स हैं और कैसे आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा एक्स ग्रुप के बारे में। तो एक्स ग्रुप में आप सभी को पता है कि टेक्निकल ग्रुप है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं और ये कैसे पैटर्न के फॉलो करते हैं, आप सभी को यहाँ पे देखना है इसको। तो एक्स ग्रुप की ये बुक है, आप इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, और इसके लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक्स ग्रुप के लिए स्पेशल, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो। ये तो इसका कवर पेज है, और आगे अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो इसके अंदर जो है लगभग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर टोटल हम निकाले तो 2750 के आसपास होगा, 40 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके अंदर ये तो इंडेक्स है, इसमें पूरा आपको दिया गया है कि इसके अंदर प्रैक्टिस सेट कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेंगे। आगे अगर मैं इसके प्रैक्टिस सेट की क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के आपके पास में क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस? सबसे पहले डिमांड आती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सारे क्वेश्चंस का एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेक्टली स्प्लिट वर्ड, ये भी आपके सिलेबस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी सिलेबस में आपके पास में, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, ये क्वेश्चन जो है बहुत कम बुक्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, और लगभग अगर मैं सारे क्वेश्चंस की बात करूँ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों एग्जाम XO या Y दोनों में कॉमन होता है ये, वाई ग्रुप में भी जो प्रैक्टिस सेट है उनमें भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक भी है, पैसेज भी है, पूरा का पूरा सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं अगर और बुक से मैं कंपेयर करूँ तो। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं दूसरा सेक्शन आता है यहाँ पर फिजिक्स का। तो फिजिक्स के अगर अंदर मैं बात करूँ, तो आप सभी लोगों ने तैयारी की है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, और इनका जो है सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पे कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। ये भी एकदम अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हैं, और जो टॉपिक आपके मेंशन है जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और जैसे एग्जाम पैटर्न आपका होता है एक्स ग्रुप के लिए, तो ये बुक मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है, ये तो आपके पास में ऑप्शन के आंसर हैं, और उसके बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट टाइम में स्पेशली फॉर एक्स ग्रुप, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप अपना रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर बाई करने में आपको कोई दिक्कत होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की डाउट हो तो। जैसे आपको लिंक दे रहा हूँ मैं, फ्लिपकार्ट का भी है, अमेजोन का भी है, वहाँ से आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली बुक है वो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है जो एक्स ग्रुप के क्वेश्चन थे, पूरे 70 क्वेश्चन तक यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, क्योंकि एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन आपके आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अगली जो बुक है हमारी वो है एक्स और वाई दोनों की। अगर आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि दोनों ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक्स की भी करते हैं वाई की भी करते हैं, तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट लाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है लगभग 2450 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 25 प्रैक्टिस सेट एक्स और वाई दोनों की आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्स वाई बोथ की है, और ये SSR पब्लिकेशन आगरा से है, ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो दोनों के वो हैं 25 प्रैक्टिस सेट। तो 25 प्रैक्टिस सेट भी अगर आप लगा लेते हैं तो भी एग्ज़ाम में इतना ही टाइम है, और इतना भी आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। इसके अलावा इसके सेट्स देख सकते हैं, इंग्लिश का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकेंड जो आता है वो फिजिक्स आता है, अगर आप एक्स वाई बोथ की करते हैं तो।
दूसरे नंबर पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स कम्बाइंड आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही हैं और काफ़ी अच्छे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चन हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये आपने पूरा देख लिया है, उसके बाद मैथ सेक्शन है, इसमें भी पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। जो फोर्थ सेक्शन इसमें ऐड हो जाता है वो है रागा का, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये सेक्शन भी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जैसे सीरीज से है, एनालॉजी से है, रैंकिंग से है, काउंटिंग फिगर से है, और कुछ आपके क्वेश्चन जो आते हैं ये देख सकते हैं फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हैं और LCM HCF से भी क्वेश्चन हैं और लगभग जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उससे भी क्वेश्चन हैं और मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज के क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं और पजल के कुछ क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं और उसके अलावा जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन नहीं है, वह मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद में देख सकते हैं पूरे 100 क्वेश्चन एक्स और वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं और इनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं आगे हम वाई ग्रुप की। तो ये है गाइस वाई ग्रुप का बुक और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट आपको जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और इसमें भी लगभग 2450 से आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप पूरा प्रैक्टिस से कर लेंगे तो। इसमें भी एक सेट आपको दिया गया है, देख सकते हैं इसमें अगर आप वाई ग्रुप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका इंग्लिश रहता है जो एक्स वाई दोनों में से कॉमन रहता है और उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें आता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, बस दो ही सेक्शन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं सारे के सारे और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, बहुत ही ईजी हैं सारे क्वेश्चन जो हैं, ईजी टू मॉडरेट हैं और हार्ड भी हैं कुछ क्वेश्चन एक दो जो आपके एग्जाम में इतना ही लेवल आता है, ठीक है। जीके के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं और जीके के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि आपके इधर उधर कहीं से उठा दिए हैं, सही क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा तो बिल्कुल इसमें भी सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। तो गाइस तीनों बुक्स के बारे में बता दिया मैंने, जो भी आप बुक बाई करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों के, तो वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होता है तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसी सेक्शन में आपको जो है मोबाइल नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं अगर आप पॉसिबल है कहीं पर आपका जाना, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी को बताया कि बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है तो आपको देर नहीं करना चाहिए, इन बुक्स को मंगा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you soon in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।